नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा काफ़ी सारे झमेलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय राज कुंद्रा पे शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 26 जुलाई तक यानी कि कल तक कभी भी मामला दर्ज कर सकते हैं। मुंबई पुलिस प्रोटोकॉल के मुताबिक ईडी को वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहेगी, जिसमें ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन भी शामिल है। मामला दर्ज करने के बाद निदेशालय अपनी जांच शुरू करने से पहले मुंबई पुलिस से FIR की कॉपी लेगा। पूछताछ से पहले ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत समन जारी कर सकता है और कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स के जरिए रिलीज करने के आरोप में हिरासत में लिया गया हुआ है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कुंद्रा की हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शिल्पा से भी पूछी गई हैं। शिल्पा से क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने ज्वाइंट अकाउंट से किए गए लेन देन के बारे में पूछताछ की। उनके घर से तलाशी में कई ऐसे सामान मिले हैं जो काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल हैं। शिल्पा से करीब 20-25 सवाल पूछे गए थे, उनमें से ज़्यादातर इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में थे। कपल का ज्वाइंट अकाउंट राष्ट्रीयकृत बैंक में है, उस अकाउंट में फंड विदेशों से कई रूट से आ रहा है, उसी की जांच की गई है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर शिल्पा को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि फोन रैकेट में उसकी भागीदारी को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि शिल्पा के अकाउंट में एक बड़ी रकम अफ्रीका और लंदन से ट्रांसफर हुई है, इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छिपाई गई। कुंद्रा के खिलाफ क्रिकेट की सट्टेबाजी के सबूत मिले हैं। शिल्पा के अकाउंट में भी इसके लिए कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे और कई बार बैटिंग यानी कि सट्टेबाजी के दौरान एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हुआ। और मुंबई पुलिस का मानना है कि शिल्पा को कुंद्रा के सारे कारोबार के बारे में जानकारी है और वो सारी चीज़ों को देख रही थी, लेकिन अब उसे बचाने के लिए इनकार कर रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। दोस्तों, ये थी कुंद्रा से जुड़ी हुई खबर। आप देखते रहिए MB स्पीक और देते रहिए अपनी कीमती राय मेरे कमेंट बॉक्स में। और ये कंटेंट आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।